जालिम जय सिंह गांव में जा रहा है, न जाने किस पर मुसीबत आएगी। सब आ गया क्या? मेरे पैसे? बेटी, बेटी, बाबू की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से दवा दीजिए। अबे फिर आ गया तू? ये खराती दवा खाना नहीं है, पहले की दवा ले गया, पैसे तो दिए नहीं अभी तक। पैसे लाओ जी। बहादुर और जंगजू सिपाही, लेकिन आज इस बुढ़ापे ने मेरे जिस्म की ताकत छीन ली, इस लंबी बीमारी ने मुझे मजबूर कर दिया। चंद दिनों की मोहलत और दे दो, ईश्वर के लिए मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। बाबू, इनसे हमदर्दी की भीख मत मांगो, आग से ठंडक की उम्मीद करते हो? चुप रहो, नहीं तो तेरी जुबान खींच लूंगा। लगान लाओ। इस वक्त हम पे रहम खाओ, ये तो जरा सोचो कि तुम यहां से हमें निकाल दोगे तो हम कहां जाएंगे? जहन्नुम में। तुम्हें काफी वक्त दिया जा चुका है, इस जगह को खाली कर दो वरना बहुत भिगवा दिए जाओगे। क्यों नहीं, इस वक्त तुम जो भी चाहो कर सकते हो। अगर महाराजा बहादुर राजधानी में होते तो तुम और तुम्हारे जागीरदार को ऐसी बातें करने की हिम्मत कभी ना होती। मौके का फायदा उठाकर कर लो मनमानी जय सिंह, लेकिन याद रखो मेरा परदादा भी सिपाही था, मेरा दादा भी सिपाही था, मेरा बाप भी सिपाही था। इन सब ने महाराज की सल्तनत को कायम रखने के लिए अपने खून के छींटे उड़ाए। तुम और तुम्हारे जागीरदार दोनों में इतनी ताकत है। मेरा नादान बचाए, इसे माफ कर दो। बाबू, बाबू, ये क्या हो गया तुम्हें? बाबू, बाबू, बहादुर और जंगजू सिपाही मर गया। बादल, तुम्हारे दुख से सारा गांव दुखी है, लेकिन जय सिंह के डर के मारे कोई तुम्हारे साथ दो आंसू भी न बहा सका। इसे तुम अपना ही घर समझो। जब तक भैया है मैं जय सिंह से बिल्कुल नहीं डरती। लेट जाओ। बापू, दुनिया
Thank you.
तुम सब मिट्टी के माथों हो, मिट्टी के माथों गोबर गणेश हो। हम तुम सबको गोली से उड़ा देंगे, गोली से सबको, एक एक को खच्चर के तलेले में बंधवा देंगे। हाँ तुम कौन हो? तुम नौकर? नहीं सरकार। तो फिर क्या, मालिक हो? नहीं सरकार। तो फिर क्या हो तुम? गद्दार हो? गद्दार? जी सरकार के बच्चे, हम तुम सबको सबको जिंदा जला देंगे, जिंदा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसी हमारे अच्छे जैसी, देखो जब से रत्ना अपनी ननिहाल गई है, इन लोगों ने हमारी जिंदगी अजीर्ण कर दी है। हर चीज के लिए हम इनके मोहताज हो गए हैं। जैसी किसी तरह रत्ना को बुला दो, हमारी बेटी को बुला दो। लेकिन मैं तो आपको दिन भर की कार्रवाई सुनाने के लिए आया हूँ। कार्रवाई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अनाज की आमदनी 300 मोहरे। बहुत अच्छे। लगान की वसूली 500 मोहरे। बहुत अच्छे। लगान न देने की वजह से चंद मकानों पर कब्जा कर लिया। शाबाश, शाबाश। आज हमारी जागीर में 4 आदमी मर गए। वो कैसे? मौत आई मर गए। बहुत अच्छा हुआ मौत आई मर गए, बहुत अच्छा हुआ। मुझे कुछ जरूरत है। शुक्रिया। ले जा, ले जा, ले का बदला लेने जिसकी लाश पर खड़े होकर आज तुमने कहकहे लगाए। पीछे के कहा जाओ, तुम मेरे इन हाथों से बच नहीं सकते। मैंने इन्हीं हाथों से बुड्ढे बाप की सेवा की थी, आज इन्हीं हाथों से उसे चिता में सुला कर आया हूं, और अब इन्हीं हाथों से तुम्हारे खून की होली खेलूंगा। लेकिन लेकिन बादल, तुम तो जानते हो मैं जागीरदार का मुलाजिम हूं और उसका हर हुक्म मानना मेरा फर्ज है। जी, तभी तो तुमने मेरे बाप को मौत के घाट उतार दिया। मेरे बाप दादा की शान और शौकत लूट ली, मुझे घर से बेघर बना दिया। बादल, मैं तुझे तेरा घर वापस दिए देता। अब मैं उस घर को लेकर क्या करूं जिसकी जमीन मेरे बाप के खून से तरबतर हो चुकी है, जहां का जरा जरा इंतकाम के लिए तड़प रहा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी मौत इंसानियत की जिंदगी है। बादल, इस घर की हर चीज तुम्हारी है, तुम जो कुछ चाहो यहाँ से ले जा सकते हो। सोना, जवाहरात। सोने और जवाहरात जिनसे तुम शराफत, इज्जत और इंसानियत खरीदते हो, क्या सोने और जवाहरात के ढेर मेरे बाप को वापस ला सकते हैं? क्या तुम्हारी इस दौलत से मुझे बाप का प्यार मिल सकता है, उसकी मीठी झुड़कियां मिल सकती हैं? खामोश रहो, नहीं तो मेरे हाथ से एक बुजदिल का खून हो जाएगा। मुझे महल के चोर दरवाजे की तरफ ले चलो। सिपाही को अंदर बुलाओ। अंदर आओ। इसका पीछा करो।
खास आम को इतला दी जाती है कि बादल सिंह पंत प्रताप सिंह सकना छोटा डोंगरी को महाराजा बहादुर और जागीरदार साहब के हुक्म से बागी और गद्दार करार दिया गया है। इसलिए जो कोई शख्स उस बागी को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके हुकूमत के सामने पेश करेगा, जागीरदार साहब की तरफ से उसे 100 मोहरे नकद इनाम मिलेगा। और जो कोई शख्स उस बागी की मदद करेगा या उसे पनाह देगा, हुकूमत उसे भी बागी तो सफर करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देगी। बापू कुछ सुना तुमने? क्या बात है बेटी? बादल बागी हो गया है। जैसे ही अभी अभी ऐलान किया है कि जो उसे पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। नादान है बेचारा, वह नहीं जानता कि जागीरदार की ताकत के साथ लड़ना बेवकूफी है। भगवान जाने हम सब पर इस साल क्या गुजरेगी। लगान तो अभी तक चुकाया नहीं जा सका और यहाँ बैठे मजे से दावतें उड़ाई जा रही है। आज दो दिन के बाद थोड़ा सा भात मिला है और तुम इसे दावत कहते हो? चुप रह, बदतमीज कहेंगी। तू चुप रह बेटी, सरकार इस अकाल ने हमें मार डाला। जो कुछ भी थोड़ा अन पैदा हुआ था उसे तो आप ही के आदमी ले गए। हम तो भूखों मर रहे हैं। अकाल पड़ गया है तो फिर हम क्या करें? ले जाओ इस बुढ़े को। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे बापू को, छोड़ दो। अरे हट बेटी। क्या बात है चाचा? कौन हो तुम? सरकार मैं पड़ोस की जागीर का रहने वाला हूँ और मैं इनका दोस्त हूँ। ठीक है, पर साल चाचा जी से कुछ कर्जा लिया था। हाँ, दो मोहरे वही वापस करने आया हूँ। कितना देना है? दो मोहरे। वाह 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 वाह, क्या हिसाब बैठा है। दो मोहरे लगान, दो मोहरे कर्ज। शाबाश भैया। हाँ, सरकार आप बेखटके जेब में रख लीजिए, ये आप ही का माल है। सरकार इसका मतलब है कि जो कुछ हम गरीबों के पास है वो सब कुछ आपके ही। सरकार 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 इसकी रसीद देते जाइए, मिल जाएगी। तुम कौन हो बेटा? तुमने मेरी जान बचाई। चाचा इंसान कुछ नहीं करता, करने वाला तो मालिक। बादल? हाँ चाचा, मैं मुझे गिरफ्तार करने के लिए जयसिंह ने 100 मोहरों का नाम रखा है। चाहो तो तुम पा सकते हो। बुलाऊं जयसिंह को? बेटा बादल भैया की जय, बादल भैया की जय, बादल भैया की जय। दोस्तों बोलो इंसाफ की जय। इंसाफ की जय, इंसाफ की जय। तुम इंसाफ की जय तो बोलते हो लेकिन जुल्म की चक्की में पिस जाने के लिए जरा भी नहीं चकते। आग लगा दो उस मुल्क में जहां अपने हक की हिफाजत करने वाले इंसान नहीं। फूंक दो उस कौम को जो इंसाफ के लिए दूसरों का मुंह तकती है। तुम सब जानते हो कि जागीरदार निकम्मा है, उसको अपने काबू में करके जयसिंह गरीबों पर जुल्म ढा रहा है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, ताज्जुब की बात है तुम्हारा उसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेना। तुम्हारे शान नहीं, तुम्हारे मां बाप मार दी जाए तुम जू तक ना करो। बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाए तुम्हारे सर पर जू तक ना रहेंगे। बहू बेटियों की इससे सरेआम लूट ली जाए तुम्हारे मुंह बने रहे। धिक्कार है तुम्हारी मर्दानगी को, धिक्कार है तुम्हारे खून की रवानी को। उठो और जालिम जयसिंह को दिखा दो कि तुम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हो। जब तक महाराज ने दखल दे तुम जुल्म का मुकाबला डट कर करो। आज से ईश्वर और महाराज के नाम पर हमारी लड़ाई शुरू होती है। आज से गरीब और दीन दुखियों की सेवा करना हमारा धर्म, बूढ़े और बच्चों की सेवा करना हमारा कौल है, दूसरों की खुशी हमारी खुशी। दोस्तों इस चलती हुई आग के सामने खड़े होकर कसम खाओ कि जब तक तुम्हारी नसों में खून का एक भी बूंद बाकी है तुम जुल्म का मुकाबला करोगे, अपनी आन पर मर मिटोगे।
और इंसाफ की जय की जय इंसाफ की जय इंसाफ की ये क्या बदतमीजी है?
जागीरदार महीपाल सिंह है महीपाल। सलामत। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तो मैं बदतमीज तुम नहीं, आप कहो आप। बादल तुम जैसों को आप नहीं कहता। हाँ बादल, जिसकी गिरफ्तारी के लिए तुमने इनाम मुकर्रर कर रखा है। लेकिन तुम यहां क्या करने आए हो? इस तिजोरी को खाली करने, जिसमें तुमने गरीबों का खून और पसीना बंद कर रखा है। चलो खोलो, चलो। लेकिन मेरे पास चाबियां नहीं। झूठ मत बोलो। मेरे साथ चलो। बादल भैया, आज तुम्हें एक मजेदार बात सुनानी है। okay. अरे आज तुम क्या याद करोगे कि हिम्मत भी कितना बहादुर है। किसी गरीब की मदद की होगी? अरे यार वो तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज हमने एक लड़की को गिरफ्तार करके लाया है। लड़की? हाँ पागल हो गए? अरे मुझे तो यही उम्मीद थी कि तुम मुझे पागल समझोगे। अरे मैंने जागीरदार की लड़की को गिरफ्तार करके लाया है। जागीरदार की लड़की? नहीं तो क्या, बाप की लड़की। शर्म मत, लड़की जागीरदार की हो चाहे किसी मजदूर की, लड़की लड़की होती है। अरे मगर उसका बाप तो अपनी जान का दुश्मन है। दुश्मन बाप है, लड़की नहीं, समझा? अरे मगर बगर बात है। हिम्मत। हाँ कहाँ है लड़की? दो नंबर में। हिम्मत
फाजल भैया, तुझे मेरे साथ लड़ना होगा। हाँ, क्यों? ताकि वो समझे कि मैंने तुझसे लड़कर उसे छुड़ाया। हाँ, हाँ? चलो। कौन है तुम? चलिए मेरे साथ। कहाँ? मैं आपको बचाने आया हूँ, चलिए। खबरदार, अगर लड़की को हाथ लगाया तो कच्चा चबा जाऊंगा। हट जाओ सामने से। हट गया है? किसको बोलता है हट जाओ सामने से? जानता है तू किससे बात कर रहा है? बादल। बादल कौन? बादल। हाँ बादल। तुकता है बादल के नाम पे। अगर मैं गुस्सा आ जाएगा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े उड़ा दूंगा। ये बात? हाँ, आ जाओ। ए बुजदिल, तलवार से लड़ता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठहर, मैं मेरा तलवार ले आता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ। तलवार मेरे पास भी है, बस अभी अपना अपना ठिकाना कर लो। ठहर भाई, ठहर। बादल का बच्चा। ले गया उसको। दोस्ती में ऐसे ही होता है भाई, मार खानी पड़ती है। क्या करें अभी? भगवान, बहुत जोर से मारा यार। जल्दी से घोड़े बैठ जाओ। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर वो एहसान किया है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अजी एहसान गाएगा, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। अब तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलूंगी। ये कैसे हो सकता? तो तुम भी इसी पर बैठ जाओ। मैं भी इसी पर बैठ जाऊं? हाँ। क्यों, तुम्हें कोई इतराज? मुझे तो कोई इतराज नहीं, शायद इस घोड़े को इतराज। बड़े बोल। अच्छा बागा, ये तो बताओ तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो? मैं कौन हूँ? मैं राही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। मैं राही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। ये धरती मेरा बिस्तर है, ये मस्त घटा मेरी चादर है, ये धरती मेरा बिस्तर है। मैं रात में दिन का उजाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ।
मेरा ही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। ये बिजली राह दिखाती है, मंजिल पे मुझे पहुंचाती है। ये बिजली राह दिखाती है, मंजिल पे मुझे पहुंचाती है। मैं तूफानों का पाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। मैं राही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। मैं मजनू को एक आदमी हूँ, मचलूं तो एक राग भी हूँ, मैं झूमूं तो एक राग भी हूँ, मैं झूमूं तो एक राग भी हूँ। दुनिया से दूर निराला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। मैं राही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। मैं राही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। ये जागीरदार साहब की बेटी बेचारी बादल के पंजे में फंस गई। अरे तो बागा सिंह की हिम्मत है जो इनको छुड़ा लाया उस जालिम से। मैं तुम ऐसा करूं इनको जरा महल तक छुड़ाओ। अच्छा मैं अभी आई। बागा ये क्या तुम्हारी बीबी है? अरे नहीं ये तो मैं ना। ओ तब तो तुम्हें ही महल तक हमारे साथ चलना पड़ेगा। और अगर कहीं आपके पिताजी मुझे बादल समझ बैठे तो? हरगिज नहीं, मैं जा तुम्हारे साथ। सोच लीजिए। सोच लिया। अच्छा मैना तुम यहीं ठहरो, मैं इन्हें छोड़ के आता हूँ। चलिए जनाब, जब ओखली में सर दिया तो फिर मूसल का डर गया। तुम सब अपने आप को सिपाही कहते हो लेकिन तुम घसियारे हो घसियारे। बादल तुम्हारे सामने रत्ना को उठाकर ले गया और तुम उसका मुंह देखते रह गए। ओ तुम गोली मार देने के काबिल हो गोली। पर सरकार जो प्रहो सरकार के बच्चे तुम सब डींगे मारना जानते हो और कुछ नहीं। आज देख लिया हमने तुम्हारी बहादुरी। हुजूर कुमारी साहब आ गए। रत्ना मेरी बच्ची मेरी बेटी तुम आ गई। तुम घर क्या कर रहे हो? जाओ जाओ जाओ। तुम कौन? ये बागा सिंह, यही तो मुझे बादल से छुड़ा कर लाया है पिताजी। नौजवान तुमसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। इसने बादल को मार भगाया पिताजी। शाबाश, ये जानकर हमें और भी खुशी हुई। तुम यही ठहरो, हम अभी आते हैं। बहादुर नौजवान, हम तुम्हारी बहादुरी पर खुश होकर तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। ये लो। लो? अरे भाई शर्माते क्यों हो? तुमने मेरी रत्ना की जान बचाई है, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लो लो। सरकार पहले भी तो आप ही का दिया खाता हूं।
ये भी आपका ही, और फिर इनको बचाना तो मेरा फर्ज था। शाबाश नौजवान, शाबाश, तुम जैसे नौजवान ही हमारी जागीर से बुराइयां दूर कर सकते हैं। जी हाँ, वही तो कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा हुजूर, अब इजाजत दीजिए। इजाजत? हम नहीं देंगे तुम्हें इजाजत। नौजवान बहादुर, पहले ये बताओ कि तुम वहाँ गए कैसे, और फिर तुमने रत्ना को कैसे छुड़ाया? सरकार, पांव से चलकर वहाँ तक गया और हाथों से छुड़ा के ले आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ पिताजी, इन्हें देखते ही उन सबके छक्के छूट गए और वो सब भाग गए। भाग गए? हाँ। लेकिन भाग कर जाएंगे कहाँ? अभी जयसिंह उन्हें पकड़ कर लाएगा और फिर हम उस बदमाश बादल को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देंगे। गोली? देखो बागा सिंह, वो बदमाश चोरी से हमारे कमरे में आया और हमारे जवाहरात ले गया। हाँ, हाँ। तुम हंसते क्यों हो जी? वैसे ही हुजूर, गुस्ताखी माफ। अब इजाजत दीजिए। इजाजत? अच्छा जाओ, खुश रहो। जी नहीं,
मेरा भी यहाँ कुछ खो गया है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। तो ऊपर आसमान पर क्या देख रहे हो, नीचे जमीन पे देखो ना। यही तो मुसीबत है। तुम बड़े वो हो, क्या मैं आ सकता हूँ? मैंने सुना कि रास्ते में आप पर कोई मुसीबत आ पड़ी थी। जी। मुझे निहायत अफसोस है कि मैं वहाँ मौजूद न था और आपकी कोई खिदमत न कर सका। शुक्रिया शुक्रिया। आप तो मजाक समझती हैं। आपको नहीं मालूम कि मैं आपके इशारे पर जमीन आसमान एक कर सकता हूँ। मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि आप ही के सिपाही डाकुओं को देखकर भीगी बिल्ली बन गए और तुम दबाकर भाग गए। वो तो गनीमत हुई कि वो बहादुर नौजवान वहां आ गया, वरना न जाने क्या होता। आपको कैसे यकीन दिला? अगर आप मेरे साथ रहे तो मैं सारी दुनिया को फतह कर सकता हूँ। बस बहुत हो चुका, तशरीफ ले जाइए। लेकिन मुझे आपसे खास बात कहनी है। लेकिन मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, जाइए। तो ये बात है। जी जाइए। अच्छी बात है। बागा, बागा, अरे कहाँ हो बागा? दूर, बहुत दूर, इस छज्जे के नीचे। मजाक छोड़ो, अब आ भी जाओ। ले लीजिए साहब, आ गया। लेकिन सारी दुनिया को फतह करने वाले हजरत कौन थे? क्या बताऊं बागा, ये जैसे बड़ा ही शैतान, इसने पिताजी को यूं मुट्ठी में कर रखा है। दरअसल सारी हुकूमत इसी की है, ये नीच मुझसे शादी करना चाहता है। ठीक ही तो है, आप कुमारी साहबा, वो एक बहादुर सिपाही और मैं जंगल में भटकने वाला एक आवारा। ऐसा ना कहो बागा, मोहब्बत अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं समझती, उसके लिए महल और झोपड़ी दोनों ही बराबर हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो ठहरो। रत्ना, यकीन आया बागा? लेकिन मैं डरता हूँ रत्ना कि मेरी तूफानी जिंदगी में हमारा एक प्यार का घरौंदा कहीं टूट ना जाए। बागा, मैं चलता हूँ रत्ना। बागा, ठहरो, थोड़ा ठहरो ना। अब नहीं, मैं फिर आऊंगा। तब तक इस बंदर की मूर्ति को अपने पास रखो, इसे देखकर मेरी याद करना। जागीरदार के सिपाही सारा मीरपुर का अनाज लूट के ले जा रहे हैं। नहीं बादल, मुझे माफ कर दो, ये तो जयसिंह का हुक्म था। आवाज बदतमीज, जयसिंह का हुक्म था? ये क्यों नहीं कहते कि गरीबों को परेशान करने में मजा आता तुम्हें? मजा नहीं बादल, हम हुक्म न माने तो जयसिंह हमें मार डाले। जैसे कमीनों का मर जाना ही अच्छा। नहीं नहीं बादल, ऐसा मत करो, मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं करूंगा। ऐसा कभी नहीं करूंगा, तो माफ कर देता हूँ। आइंदा ऐसी हरकत की तो मार मार के थका दूंगा। जाओ बादल, 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 6 महीने के लिए हम रियासत से बाहर चले गए तो हजारों फसादात पैदा हो गए। बादल ने आज यहाँ लूटा, कल वहां लोगों को तंग किया,
आखिर क्यों? जागीरदार क्या सो रहा है? वीर सिंह आलम पना, जागीरदार के नाम एक सख्त नामा लिखो कि अगर एक हफ्ते के अंदर जागीर में अमन कायम ना हुआ तो जागीर को हम अपनी हुकूमत में ले लेंगे। बेहतर। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाना तैयार है, चलो खा लो। तुम लोग खाओ, मैं भी आता हूं। गम में डूबी रहती है। क्या बताऊं, मैं खुद भी नहीं जानती क्या हो गया है मुझे। Thank you.
भी दो दिल रुबा जो हुआ सो हुआ ऐ दिल न मुझसे छुपा सच बता क्या हुआ जाने भी दो दिल रुबा जो हुआ में अभी आई जाने नहीं रत्ना जी पिताजी क्या बात है पिताजी आप बहुत परेशान नजर आते हैं बर्बाद हो गए बेटी हम तबाह हो गए क्या हुआ पिताजी महाराज का फरमान आया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर हमने बादल को गिरफ्तार ना किया तो हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अब क्या होगा पिताजी मुझे एक तरकीब सूझी है जी तुम्हें तरकीब सूझी है पिताजी वो बागा सिंह है ना बागा सिंह जो मुझे बादल से छुड़ा कर लाया था वो बड़ा बहादुर है पिताजी और उसे बादल का अड्डा भी मालूम है हम उसके जरिए बादल को गिरफ्तार कर लेंगे बात तो तुमने पते की कही बेटी ठीक है ना लेकिन लेकिन क्या लेकिन बागा कहाँ है कहाँ मिलेगा बागा यहाँ है मैं दिखाती हूँ बागा बागा अरे कहाँ हो बागा अभी अभी यही था जाने कहाँ चला गया रत्ना तुमने जरूर कोई सपना देखा है भला बागा यहाँ कैसे आ सकता है सपना नहीं पिताजी सच्ची बात है मुझे उसका घर मालूम है मैं उसे अभी बुला कर लाऊं अरे अकेली मत जाओ जयसिंह को अपने साथ ले जाओ जयसिंह मैना मैना अरे हो मैना अरे आप हाँ बागा आया है यहाँ नहीं तो उसका मिलना बहुत जरूरी है क्यों बागा की वजह से हम बादल को गिरफ्तार करना चाहते हैं बादल को गिरफ्तार करना चाहते हैं बागा की मदद से हाँ हाँ चलो चल के ढूंढ ली उसे अच्छा आप यहीं ठहरिए मैं उसे देखती हूँ जल्दी वापस आना जय सिंह हाँ मैं यहाँ क्यों आई हूँ अपनी मोहब्बत के इजहार करने का इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा अपनी हद से बाहर जाने की कोशिश ना करो जय सिंह चले जाओ यहाँ से तुम मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ मेरी सरकार मुझे किसी का डर नहीं मुझे डर तो सिर्फ तुम्हारी मतवाली आंखों से लगता है अरे बाप रे बाबा कितने नाजुक वक्त पर आ गया मैं कोई बात नहीं मैं जाता हूँ मुझे बचाओ इस शैतान से घबराओ मत रत्ना ये तो मजाक कर रहे थे क्यों जनाब जनाब के बच्चे सरकार लगे तो नहीं बादल दूर हटो मुझे मत छू
का बहादुर था और तुम दोस्ती बागा सच्चा था और तुम धोखे बाज। मैंने बागा से प्यार किया लेकिन तुमसे नफरत करती हूँ। सच मैं बादल बादल भागा बादल भागा मुझे बच्चू बागा बहादुर था और तुम बुजदिल हो। बागा सच्चा था और तुम धोखेबाज हो। मैंने बागा से प्यार किया है लेकिन तुम नफरत। बादल भैया वहां जैसी को किसी ने पेड़ से बांध के रखा है। मैंने बांध रखा है, है? तुम लोग उसे गुफा में ले जाओ। बहुत अच्छा। जागीरदार के यहाँ क्यों मुझे तंग कर रही है? नहीं भैया रत्ना तो अपनी झोपड़ी में है, बादल को खोजने आई है। अरे तो आई होगी, अपने को क्या करने का है? भैया रत्ना अपनी झोपड़ी में? हाँ। बादल को खोजने आई है? हाँ। क्यों? जागीरदार बादल को बागा समझकर उसकी मदद से बादल को गिरफ्तार करना चाहता है। जागीरदार फिर से बोल जागीरदार बादल को बागा समझकर उसकी मदद से बादल को गिरफ्तार करना चाहता है। बादल जागीरदार को बागा समझकर नहीं समझोगे भैया? जागीरदार बागा समझकर बादल को गिरफ्तार नहीं, ये नहीं हो सकता है। जागीरदार बागा ये बीच की अंगली क्यों आती घड़ी घड़ी हाथ में? जागीरदार बादल को बागा समझकर नहीं नहीं फिर से थुई थुई जागीरदार बागा को अरे ये तुम काय घड़ी घड़ी आता है? नहीं समझ में आता तो सो जाओ। हाँ सो जाओ। कुमारी साहबा, कुमारी साहबा क्या चाहते हो? चलो हमारे साथ। क्यों? चलो छोड़ दो। चुप। छोड़ दो। चलो छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। चुप रहो। छोड़ दो मुझे। छोड़ो छोड़ो छोड़ दो मुझे। तुम लोग जा सकते हो। ये सब क्या है? क्यों गिरफ्तार किया गया मुझे? क्या किया है मैंने? क्या किया है तुमने? तुम उस बागी लुटेरे बादल की साथी हो। तुम भी गद्दार हो। तुम भी वही गुनाह हमारे सर लगाती हो जो इस महल में बसने वाले मुद्दत से करते चले आए। तुम हमारे घरों को लूटते हो, हमें कत्ल करते हो। मैं ना इस पर भी तुम्हारे दिल की आग ठंडी नहीं होती तो हमें बागी और गद्दार के नाम से पुकारती। खामोश रहो। अंधे को अंधा कहना कोई पाप नहीं है। काश मुझे पहले मालूम होता कि बागा के रूप में बादल छुपा हुआ है तो उसे पकड़कर फांसी पर लटका दिया होता। यही ना वाले तुम्हारी मोहब्बत। मैं किसी बागी से मोहब्बत नहीं करती। बादल बागी नहीं, बादल डाकू नहीं, बादल लुटेरा नहीं। वो एक सच्चा इंसान है। चांद और सितारे भी जिसकी इंसानियत की गवाही देते हैं। वो इंसान है जो चोरों की तरह हमारे घर में दाखिल हुआ और धमकी देकर मेरे बाप की दौलत ले गया। वो दौलत बादल के काम नहीं आती बल्कि उन लोगों के काम आती है जिसे तुम्हारा बाप लूट कर ले आता है। मैं ना सच्ची बात सुनकर दिल पर चोट लगती है ना। हम लोग कड़कती धूप पर बरसते हुए तूफानों में खेती बाड़ी करते हैं, नन्हे नन्हे पौधों को अपने खून से सींचते हैं और जब हमारे पसीने के कतरे दानों के रूप में फूट निकलते हैं तो तुम उन पर कब्जा कर लेती हो। नहीं नहीं ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब बिल्कुल झूठ है। हमने किसी पर जुल्म नहीं किया है और ना कभी किसी को फरियाद करते सुना है। महलों के राजा और झोपड़ों के वासियों में यही तो फर्क है। महलों में रहने वाले जरा सी बात पर झल्लाकर चीख पुकार करने लगते हैं लेकिन झोपड़ों में रहने वाले हर जुल्म को भगवान के दिन समझकर सह जाते हैं। बादल तुम्हारे इस जुल्म को मिटाकर ही दम लेगा। तुम्हारे इसी जुल्म के कारण उसका बाप उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया। मैं ना
शायद तुम नहीं जानती कि बादल का बाप एक बहादुर सिपाही था। उसने सारी जिंदगी तुम्हारी जागीर की खिदमत की, पर जब बुढ़ापे ने उसकी ताकत छीन ली, जब वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया, तो तुम्हारी जमीन का लगान चुकाने के लिए उसका लादो पाला इकलौता बेटा बादल दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन लगान वक्त पर अदा न हो सका और एक दिन जैसी आ ही धमका, बूढ़े बाप ने उसके कदमों से लिपट कर मिन्नत देखी, लेकिन हत्यारे जैसी का दिल न फंसी जा, उसने उसे ठोकर मारकर गिरा दिया। वो ऐसा गिरा कर फिर न उठ सका। ओह, जैसी ने उसके घर और जमीन पर कब्जा कर लिया। बेचारा बादल बूढ़े बाप की लाश लेकर उसी दम घर से बाहर निकल आए। उसका वो घर और जमीन तुम्हारी जायदाद में शामिल हो गई। लेकिन बादल ने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? मैंने उसके साथ अन्याय किया है, मैं गुनाहगार हूं। मैं ना मुझे बादल के पास ले चलो मेरा, और उससे मिलने से कोई फायदा नहीं। बादल एक अनमोल रत्न, तुमने उसे परखा नहीं रत्ना, तुमने उसकी कदर नहीं की और उसे खो दिया। मैंने बादल को खो दिया। नहीं, मैं ना मुझे बादल के पास ले चलो, मैं तुम्हारी पापड़ थी। ले चलो, तुम एक औरत हो, औरत ही औरत के अरमान भरे दिल को समझ सकती है। काश तुम भी हमारे अरमानों को समझ सकती। तू क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? उससे कौन नहीं प्यार करता? और फिर हम दोनों तो एक ही धरती के बच्चे हैं, जिनका बचपन धूल में लिपटा रहता है, जिनका लड़कपन मिट्टी से खेलता रहता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो धरती माता के गोद में बैठ के प्यार करने लगते हैं। उनके सर ऊपर आसमान के सिवा कोई छत नहीं होती, उनके बदन पर हया के सिवा कोई लिबास नहीं होता। लेकिन जब तुम उससे प्यार करती थी तो मुझसे क्यों मिलनी थी? इसलिए कि उसे तुमसे मिलकर खुशी होती थी। जो बातें तुम्हें मुझ में नहीं, तुम मीठी मीठी बातें करना जानती हो और मैं झगड़ना, तुम उस पर हुक्म चलाना जानती हो और मैं हुक्म मानना। आज तक मैं अपनी मोहब्बत का इजहार भी न कर सकी, मेरा दिल चुपके चुपके उसकी पूजा करता था, और तुम जबान से उसकी मोहब्बत का दम भरती थी। तुम्हारी मोहब्बत में अल्फाज है और मेरी मोहब्बत में खामोशी। बादल तुम्हारा है मैं ना, और हमेशा तुम्हारा रहेगा। रत्ना, मैं वचन देती हूं, अब तुम घर जाओ।
जवाब क्यों नहीं देती? कहा है मैंने, जब तुम्हारे बाप और जयसिंह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सके तो तुम आगे बढ़ी और उस बेचारी को कैद कर लिया? कहा है वो? मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी नीच भी हो सकती हो। तुम्हारा किला मुझसे है, मैंने से नहीं। जुर्म मैंने किया, मैंने नहीं तो मुझे गिरफ्तार कर सकती हो, लेकिन मैंने को सजा देने का तुम्हें कोई हक नहीं। अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारी इन सजाओं से घबरा कर हमारा साथ छोड़ देगी, तुम्हारा ख्याल गलत। उतनी नीचे बुजदिल नहीं, बुलाओ अपने आदमियों को, कर लो गिरफ्तार मुझे। बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी कमान में ताले क्यों पड़ गए? ओहो, आंसू, इन खूबसूरत आंखों में आंसू। जागीरदार साहब की लाडली को एक बागी, लुटेरे, गद्दार और दगाबाज ने बेवकूफ बना दिया। इसी का दुख है ना? रत्ना, रत्ना, रत्ना! रत्ना! जी पिताजी। महाराज का नया फरमान आया है, लिखा है कि हम उनके हुजूर में हाजिर हो। न जाने क्या होने वाला है। हम बादल को गिरफ्तार न कर सके, उल्टा उसने जयसिंह को कैद कर लिया। अब क्या होगा? हम महाराज को कैसे मुंह दिखाए? रत्ना, अगर हम जल्द से जल्द बादल को गिरफ्तार न कर सके तो हमें जागीर से हाथ धोने पड़ेंगे। पिताजी, मैं बादल को आपके हवाले कर सकती हूँ। क्या कहा तुम? जी हाँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? उसे माफ कर दिया जाए। माफ कर दिया जाए? बादल को माफ कर दिया जाए? रत्ना, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं पागल नहीं हो गई हूँ, ठीक कह रही हूँ पिताजी। आज तक आप और जयसिंह बादल को गिरफ्तार नहीं कर सके हैं और ना कभी कर सकेंगे। अगर बादल को माफ कर दें आप, तो इसमें आपका, रियाया का, सभी का भला है। और मैं तो ये कहूंगी कि महाराज बहादुर को भी यही सलाह देनी चाहिए। महाराज बहादुर को भी यही सलाह देनी चाहिए? नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा?
इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैना कहाँ है? वो तुम्हारे आने से बहुत देर पहले चली गई यहाँ से। चली गई? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रत्ना, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ से चले जाओ। बादल अब तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। हो सकता है मैंने तुम्हें धोखा दिया हो, तुमसे झूठ बोला हो, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, वो है तुमसे मेरी मोहब्बत। तुम अब जाओ यहाँ से, बादल चले जाओ ना, जाओ। लेकिन मैं फिर आऊंगा रत्ना, और तब अकेला ना जाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, वादा करो। हाँ, तुम चले जाओ बादल, अब तुम जाओ। अच्छा, अलविदा। अलविदा। मेरे देवता, हमेशा के लिए अलविदा। और आप इंसाफ नहीं कर सकते महपाल सिंह, हम इस बगावत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हुकूमत की बागडोर आप नहीं संभाल सकते तो मजबूरन इसे हमें अपने हाथ में लेना होगा। हुजूर माफ कीजिए, इस मर्तबा मैं खुद फौज लेकर बागी पर हमला करके उसे गिरफ्तार करूंगा। आप उसे गिरफ्तार करेंगे? जी हुजूर। और अगर हुजूर चाहें तो बागी को माफ भी किया जा सकता है। माफ जी, उस बागी को जिसने कानून को अपने हाथ में ले रखा है? आप पागल तो नहीं हो गए? जी हुजूर, हाँ मैंने भी उसे यही कहा था कि वो पागल हो गई है। किसे कहा था? कौन पागल हो गई है? हुजूर, मेरी बेटी रत्ना, ये उसी की सलाह थी कि बागी को माफ कर दिया जाए। ओ, तो आप आजकल औरतों की सलाह पर चलते हैं? जी हुजूर। हाँ? जी नहीं हुजूर, माफ कीजिए, बस एक मौका, सिर्फ एक मौका और दीजिए हुजूर। अच्छा, हम आपको एक मौका और देते हैं। हुजूर, हम रियासत में अमन चाहते हैं। जागीरदार साहब, याद रखिए, यह आखिरी मौका है। पानी, पानी, मुझे पानी पिला, मेरा दम निकले जा रहा है। हाँ, आप पानी लाया हूं तुम्हारे लिए, लो मैं पिलाता हूं, फेरो फेरो कचरा इसमें। देखा कैसा मजा आता है गरीबों को सताने का, कैसा मजा आता है। बादल आया, बादल अब पानी पिलाया, बादल तुम्हें। बादल, बादल मुझे पानी पिला। राम सिंह, पानी लाओ। अब तुम्हें पता चला कि प्यास क्या होती है, भूख क्या होती है। हाँ, बादल मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें जानबूझकर बांध रखा है ताकि तुम महसूस कर सको कि उन हजारों बेगुनाहों को जिन्हें तुम तड़पा तड़पा कर मारते हो किस तरह तकलीफ होती है। अब मैं जान गया हूं बादल, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन वादा करो कि आज से तुम शराफत से पेश आओगे, गरीबों के साथ इंसानियत से बर्ताव करोगे और उन पर जुल्म ढाने से पहले उनकी मासूम शक्लों को देखोगे और अपने जमीन पर हाथ रखकर वापस चले जाओगे। वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं बादल, मुझे छोड़ दो। जय सिंह, आज तो मैं तुम्हें छोड़े देता हूं, लेकिन याद रखो, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। हिम्मत। हाँ भैया। इसकी आंखों पर पट्टी बांध कर इसे जंगल के बाहर छोड़ाओ। पिताजी क्या हुआ? सारा खेल चौपट हो गया, हम बर्बाद हो गए,
हम तबाह हो गए रत्ना। आखिर हुआ क्या पिताजी? हुआ क्या, बड़ी मुश्किलों से महाराज ने चंद दिनों की मोहलत दी है। अगर हम बादल को ना पकड़ सके तो हम भिखारी हो जाएंगे, हमारी जागीर छिन जाएगी। लेकिन आपने बादल की माफी के लिए कुछ नहीं कहा तो था। अगर तुम वहां होती तो तुम्हें पता चलता, महाराज सुनते ही आग बगुला हो गए, आग बगुला। बादल की माफी का ख्याल अच्छा है। जैसी तुम तो क्या तुमको बादल ने छोड़ दिया? जी हाँ, बादल की माफी का ख्याल वाकई अच्छा है। आए? तो क्या तुम भी बादल की माफी चाहते हो? अब मैंने उसे बहुत करीब से देखा है और मेरा अपना ख्याल है कि बगावत को दबाने का यही एक अच्छा रास्ता हो सकता है। सुना आपने पिताजी, मैं कहती थी ना कि बादल बहुत अच्छा आदमी है, अब उसे माफी जरूर दिलवा दीजिए पिताजी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जब तुम दोनों का भी यही ख्याल है तो हम उसकी माफी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जय सिंह, हम तो ये चाहते हैं भाई किसी न किसी तरह ये बगावत बंद हो जाए। पिताजी। मैं इस इल्म पर यकीन नहीं करता, जरूर दाल में कुछ काला है। जब वो तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सके तो ये माफी का जाल बिछाया। अरे उनकी चालबाजी को तो 5 बरस का बच्चा भी जानता है, मगर तुम खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐलान सच्चा है, ऐलान महाराज ने किया है और महाराज का हुक्म मानना हमारा फर्ज है। और इसके अलावा हमारा मकसद क्या है? इंसाफ। अगर महाराज के सामने जाने से हमें इंसाफ मिलता है तो हमें और क्या चाहिए? हाँ, अगर मैं वापस ना आऊं तो सूरत में तुम्हें क्या करना चाहिए तुम जानते हो। बादल, मत जाओ बादल। ये तुम क्या कह रही हो मैं ना? तुम जानती हो मैं फैसला कर चुका हूँ, इसी में सबकी भलाई है। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मत जाओ बादल। पगली गई की। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरा मन कह रहा है इसमें धोखा है, इसमें फरेब है बादल। जो तुम्हारा वहम, चिंता ना करो सब ठीक हो जाएगा। हुक्मनामा सुना दिया जाए। चालीसापुर के जागीरदार और आसपास की पहाड़ियों के जिम्मेदार महिपाल सिंह अपने महाराजा आदिराज की ख्वाहिश के मुताबिक बादल सिंह वल्द प्रताप सिंह को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हैं। रत्ना, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें लाज नहीं आती ऐसी बातें करके अपने बाप के सामने? काश मैं आपकी बेटी ना होती। बादल, ये ले जाओ इसे। छोड़ दो इन्हें, मैं कहती हूँ छोड़ दो इन्हें। ले जाओ। पिताजी, बादल को छोड़ दीजिए, बादल को छोड़ दीजिए पिताजी, नहीं तो लोगों को इंसाफ के नाम से नफरत हो जाएगी, आने वाली नस्लें आप पर थूकेंगे पिताजी। रत्ना, कुछ कीजिए, बादल को छोड़ दीजिए पिताजी, बादल को छोड़ दीजिए। बादल, 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 बादल मुझे माफ कर दो। Thank you.
दुनिया के बाजार में, इस दुनिया के बाजार में ओ अनमोल प्यार बिन मोल के। मैं मजबूर हूँ, हुक्म ऐसा है राजकुमारी साहिबा। तो मैं अपने ही महल में कैद हूँ। अगर आप चाहें तो कुछ किया जा सकता है। क्या मतलब? आश्ता बोलिए राजकुमारी साहिबा। मेरा मतलब यह है कि शायद हम बादल को छुड़ा सकें। तुम बादल को क्यों छुड़ाना चाहते हो? एक बार उन्होंने मेरी जान बचाई थी, अगर मैं उनके लिए कुछ भी कर सकूं तो मेरे बड़े भाग्य। आइए इधर आइए। अब भी तू अपने साथियों का नाम बताएगा या नहीं? तुम कितने बेवकूफ हो जयसिंह। तुम सोचते हो कि तुम जैसे बुजदिल और धोखेबाज को मैं अपने बहादुर साथियों का नाम बता दूंगा? मैं तेरे जिस्म की धज्जियां उड़ा दूंगा। मैं भी तुम्हारी धज्जियां उड़ा सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया। बहादुर बनते हो? तुमने हजारों बेगुनाह इंसानों का खून किया है और आज तुम मुझ जैसे एक मामूली इंसान से डरते हो। कोड़े खाते खाते भले ही मर जाऊं, लेकिन अपने साथियों के साथ गद्दारी हरगिज नहीं करूंगा। मैं तुझे जल से मार डालूंगा। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन उन तमाम हजारों इंसानों को नहीं मार सकते जो तुम जैसे मक्कारों के खिलाफ बगावत करते रहेंगे। मुल्क के बाशिंदे इतने बुजदिल नहीं है, इतने मुर्दे नहीं है। जो आग उनके सीने में लग चुकी है तुम उसे नहीं बुझा सकते। देखा जाएगा।
पिताजी, बादल को क्या सजा मिलेगी? आए, सजा? फांसी। बस फांसी? पिताजी, क्या इससे बड़ी और कोई सजा नहीं है? ऐसे गद्दार और बदमाश को तो इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शाबाश शाबाश बेटी, तुम सचमुच हमारी बेटी हो। अब तुम्हें पता चला कि वो बादल कितना खतरनाक आदमी है। हाँ पिताजी, अब मैं बादल को खूब समझ गई। और पिताजी, सुना है कि वो बदमाश अपने किसी आदमी का नाम भी नहीं बताता। बेटी, सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है। मुसीबत? लेकिन पिताजी, इस मुसीबत को मैं यूं दूर कर सकती हूँ। यूं? यूं? यूं कैसे? देखिए पिताजी, जो बात किसी से मारपीट की नहीं पूछी जा सकती, वो प्यार मोहब्बत से मालूम हो सकती है। और फिर बादल, बादल ने तो अपनी जिंदगी के सारे राज मुझे बता रखे हैं। बात तो ठीक है, तो मैं जाके उससे पूछ लेती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आप भी जाएंगे? हाँ बेटी, मैं तुम्हें उस बदमाश के पास अकेले कैसे जाने दूँ? अच्छा, ये तो रुक दीजिए। चलो। दरवाजा खोलो। हुजूर, जयसिंह की सख्त हिदायत है, अंदर किसी को न जाने दिया जाए। पिताजी, जागीरदार आप हैं या जयसिंह? बदतमीज, जागीरदार हम हैं या जयसिंह? हम जागीरदार हैं, हम हुक्म देते हैं कि दरवाजा खोलो। नहीं नहीं पिताजी, आप यही ठहरिए। अगर आप भी अंदर जाएंगे तो उसे हमारी बात का यकीन नहीं होगा। यकीन? लेकिन बेटी, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं? मेरी हिफाजत के लिए ये साथ जा सकता है। ये ठीक है। क्या हुआ बेटी? कुछ फायदा नहीं पिताजी, कुछ फायदा नहीं। वो हमारी बात ही नहीं सुनता, उसे हमारा यकीन ही नहीं। बदतमीज, दरवाजा बंद कर दो। भाग गया। दौड़ो, भागो, महल के सब दरवाजे बंद कर दो। मेरा खोया ना। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वहाँ बादल भाग गया। बादल भाग गया? हाँ, जल्दी जाओ, पकड़ो उसे जाके। जाओ जल्दी। बाहर से आया घोड़ा है, तुम उसे लेकर भाग जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं? तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम भाग जाओ बादल। वो तुम्हें परेशान करेंगे रत्ना। उन्हें मैं देख लूंगी, तुम अपनी जान बचाओ मेरी खातिर। देखो बादल, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, तुम भाग जाओ।
मैंने हुक्म दिया था कि मेरी इजाजत के बगैर कोई भी जेल में नहीं जा सकता, तो फिर वो भागा कैसे? भागा? बस भाग गया। भाग गया। अगर मैं ये कहूं कि इस साजिश में आप और राजकुमारी दोनों शामिल हैं तो शायद गलत ना होगा। जल्दी गुस्ताखी माफ। अब मुझे तमाम वाकयात की इत्तला महाराज तक पहुंचानी पड़ेगी। महाराज फिर क्या होगा? क्या होगा? वो आपको इस राजमहल से निकाल बाहर सड़क पर फिपा देंगे। नहीं नहीं जैसे महाराज से न कहना। ये नहीं हो सकता। मैं हुकूमत से गद्दारी नहीं कर सकता। शादी का इकरार कर लो तो। शुक्रिया। रत्ना कुमारी, मैं तुम्हारी शादी के कपड़े लेकर आया हूँ, जरा इनको पहन कर देखो, तुम्हें पसंद तो है? अगर आपको पसंद है तो बस ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद है, मगर तुम भी तो जरा देखो। देख लूंगी, इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छी बात है, मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। इन कपड़ों को यही रखे जाता हूँ, तबीयत अच्छी होने पर जरा पहन कर देख लेना, समझी? मेरी शादी के कपड़े, ये सुहाग की चुनरी, मेरी लाश के लिए क्या ही अच्छे कफन होंगे। बादल, मेरे जिस्म का आखिरी सांस भी सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारे ही नाम लेते लेते ये होंठ ठंडे हो जाएंगे। मेरे मरने के बाद ये न भूलना कि मैंने अपने बाप और जयसिंह के पापों के प्रायश्चित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी तमन्नाएं अधूरी ही रह गई। मुझे यकीन है मेरे देवता कि तुम मैना के साथ हमेशा सुखी रहो। मेरी तुमसे एक ही इल्तिजा है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव में कभी कभी मुझे भी याद कर लेना। याद फरमाया? हाँ, बादल एक मामा बन गया है वीर सिंह। अव्वल तो ये लोग उसे कैद नहीं कर सके, और कैद भी किया तो जेल खाने से फरार हो गया। सारी रियाया उसकी मदद करती है, पनाह की उसे कमी नहीं। अब इस मामले को हमें अपने हाथ में लेना होगा। वाकयात की तहकात हम खुद करेंगे। लेकिन हुजूर का इस तरह जाना खतरे से खाली नहीं। हम मुट्ठी भर बागियों से नहीं डरते वीर सिंह, और फिर यह हमारा अपना तरीका होगा। हम एक सौदागर के लिबास में वहां जाएंगे, वो हमें नहीं पहचान सकेगा। चंद सिपाही हमारे साथ होंगे जो हमारे इशारे के मुंतजिर होंगे। फिर भी खौफनाक बागियों के बीच में हुजूर का जाना
खतरे का मुकाबला करना है। अगर हमें रियाय के लिए खतरे का मुकाबला भी करना पड़ा तो हम करेंगे। जाओ तुम तैयारी करो। बहुत नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे पास कोई हथियार नहीं, मैं एक सीधा साधा सौदागर हूँ, मगर तुम्हें मुझे इस तरह सताने का क्या हक है? कौन हो तुम? जब तक गुस्सा ना दिला जाए तब तक मैं भी एक सीधा साधा आदमी हूँ। मेरा नाम हिम्मत है, हिम्मत को कौन नहीं जानता। रकम लाओ और अपना रास्ता नापो। तुम्हारा सरदार कौन है? इस वक्त तो मैं बदौलत है, अच्छे तो बादल सिंह है। बादल? बादल सिंह जी, मैं तुम्हारे सरदार से मिलना चाहता हूँ। मिलना मिलना तो होता रहेगा, पहले माल पाले तो निकालिए। मैं रुपया उसी को दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपकी मर्जी, चाहे इस तरफ से नाक पकड़िए, इस तरफ से नाक पकड़े, एक ही बात है। बादल भैया, ये सौदागर कहता है कि मैं पैसे बादल को दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। सौदागर बादल तो तुम हो बागी बादल। जनाब, कितने पैसे हैं इसमें? 10 मोहरे हैं। कोई कच्चे सौदागर मालूम पड़ते हो। क्यों? तुम पहले सौदागर हो जिसने सच बोला। इस सच्चाई के लिए आधे पैसे इनाम। मुझे इस तरह लूटने का तुम्हें क्या हक है? वही हक जिससे तुम गरीबों को लूटते हो। तुम उनको लूटकर अपनी थैलियां भरते हो, मैं तुमको लूटकर उनका पेट भरता हूं, ईश्वर और महाराज के नाम पर। महाराज जो तुम जैसे डाकुओं को मनमानी करने देता है और खुद महल में आराम करता है। खामोश! अगर महाराज के खिलाफ एक लफ्ज भी बोले तो जबान खींच लूंगा। तो तुम समझते हो तुम्हारा महाराज बहुत नेक है? मैं सिर्फ समझता ही नहीं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन जनता के कराहने की आवाज महाराज के कानों तक पहुंचेगी तो वो तिलमिला उठेंगे और हमारी मदद को जरूर पहुंचेंगे। अगर तुम्हें अपने महाराज पर इतना यकीन है तो तुम अपनी फरियाद महाराज के सामने क्यों नहीं पेश करते? कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? यही तो अफसोस है कि हम उनके नजदीक भी नहीं जा सकते। फरियाद पेश करना तो दरकिनार। ऐसी बात है? ऐसी बात है। खैर छोड़ो, आ बैठो, खाना खाओ। जो कुछ हमारे पास है तुम्हारे सामने। क्या हुआ? इसे तो मैं नहीं खा सकता, ये तो जानवरों का खाना है। तो तुम अपने आप को क्या समझते हो, बादशाह? क्या तुम इस रोटी के सहारे अपनी जिंदगी बसर करते हो? इसे तो आदमी नहीं खा सकता। हजारों ऐसे भी हैं जिन्हें यह भी नसीब नहीं, तुम तो इसे निगल नहीं सकते, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए बहुत कुछ है। लेकिन तुम जो इस कदर लूट मार करते हो उस पैसे का क्या होता है? देखना चाहते हो? ये लोग कौन है? अपना खून सुखाकर मेहनत करने वाले मजदूर जो जयसिंह के जुल्मों के शिकार हो चुके हैं। क्या हुआ मां?
जय सिंह मेरे बेटे को बेगारे के लिए पकड़ ले गया। 8-7 दिन से उसका कोई पता नहीं, घर में भी कुछ खाने को नहीं। मैंने जागीरदार के दरवाजे पर बहुत सर पीटा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। उसके सिपाहियों ने मुझे लात मार कर निकाल दिया। बादल न मालूम कहाँ है मेरा बेटा। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं, हम छुड़ाएंगे तेरे बेटे को। कैसे बेटू? बादल भैया, मैंने एक छोटा सा पेड़ काटा था, उसकी कीमत भी दी थी, लेकिन जागीरदार का एक हाकिम आया और कहने लगा कि ये गैर कानूनी, वो मुझसे पैसे मांगने लगा। भला मैं गरीब आदमी पैसे कहां से देता। उसने मेरे सारे औजार छीन लिए और धमकी दे के चला गया कि अगर 3 दिन के अंदर पैसे ना पहुंचाए तो मैं तुम्हें जेल खाने में डाल दूंगा। अब तुम ही बताओ बादल भैया, मैं क्या करूं? मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे बादल भैया। घबरा मत भीखो, घबरा मत, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ कैसी है बेटा? माँ बहुत बीमार है बादल भैया, जैसे ने बापू को बहुत पीटा, वैसे दवा नहीं देता। कोई बात नहीं बेटा, हम दवा देंगे तेरी माँ को। कोई बस बादल, बहुत हो गया। बादल भैया, जय सिंह के आदमी गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, हमारा सारा अनाज लिए जा रहे हैं। लेकिन तुम लोग तो लगान दे चुके हो। दावत के लिए वसूली कर रहे हैं, रत्ना की शादी हो रही है ना। माँ की शादी? हाँ। मगर इन गरीब किसानों को क्यों सताया जा रहा है? आदमियों को तैयार करो, किसान जाओ। लूटने
हासिल किसको पुकारूं क्या करूं किसको पुकारूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं रोता है मेरा दिल किसको पुकारूं क्या करूं रोता है मेरा दिल रत्ना बादल 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 रत्ना तुम मेरी हो मैं तुम्हें लेने आया हूँ ले चलो मुझे दूर यहाँ से बहुत दूर जहाँ जैसी नहीं जहाँ ये महल नहीं जहाँ ये लड़ाई झगड़े नहीं जहाँ सिर्फ मैं और तुम और मैं वहीं ले चलूँगा रत्ना चलो नहीं 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 बादल ये नहीं होगा ये नहीं होगा बादल मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती तुम किसी और के हो तुम कैसी बातें कर रही हो रत्ना तुम मैं ना के हो मैं ना तुमसे प्यार करती है उसे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसकी पागल ना बनो रत्ना चलो मेरे पास वक्त जी हाँ वक्त हो चुका है और अब की बार तुम मेरे हाथ से बचकर भाग नहीं सकते और इस बार मैं भागने आया भी नहीं अच्छा रत्ना Thank you.
तो तुम हो और तुम मेरी नेकी का बदला चुकाने आए हो। मैंने तुम्हारे साथ शराफत का बर्ताव किया, तुम्हें हर तरह की आजादी दी, इज्जत के साथ मेहमान की तरह रखा, तो मुझे कैद करने आए हो। प्राण फरामोश, इसे फांसी के तख्ते पर ले चलो। मैं खुद चलता हूं फांसी के तख्ते पर। प्रजाजनों, आप लोगों को हमें यहां देखकर हैरानी तो हुई होगी, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमेशा से शाही खानदान का पहला फर्ज यह रहा कि वो मुल्क में अमन कायम रखे, रियाया खुशहाल रहे। जब हमने ये सुना कि बादल और उसके साथी बिना वजह लोगों को सता रहे हैं, जागीरदार और जयसिंह उन्हें दबाने में नाकामयाब रहे, तो मजबूरन हमें खुद यहां आना पड़ा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हुकूमत से बगावत करना एक संगीन जुर्म है। बागी बादल कैद होकर आज आपके सामने खड़ा है, अब आप ही लोग इसके लिए सजा तजवीज कीजिए। आप लोग सब खामोश हैं तो सुनिए, बागी बादल की तमाम कार्रवाइयों की तहकीकात हमने खुद की है और इसके लिए सजा भी तजवीज कर रखी है। बागी बादल, इसके कब्ल कि हम सजा का ऐलान करें, तुम्हें मौका दिया जाता है कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो। तुम भी खामोश हो तो हम ऐलान करते हैं कि बागी बादल को माफ किया जाता है। और हां, जयसिंह को हमारे साथ चलना होगा, इनका फैसला शाही दरबार में हम खुद करेंगे। आपने अभी देखा, बादल ने भरी मजलिस में अपने बादशाह के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। हम इसी काबिल हैं। वो बादशाह बादशाह नहीं जिसकी हुकूमत में इंसान इंसान की आजादी छीनता हो। उस बादशाह को तख्त पर कायम रहने का कोई हक नहीं जिसके मुल्क में रईसों के ऐश आराम का महल गरीबों के सीनों पर खड़े होते हो। वो बादशाह बादशाह के नाम पर बट्टा लगाता है जिसकी ताजदारी में मजलूमों के फरियाद महलों की दीवारों से टकरा कर वापस आ जाती है। हमें फख्र है बादल जैसे नौजवान पर जिसने गरीबों और मजलूमों की इमदाद करके उन्हें जुल्म सितम से बचाकर वो काम किया है जो हमें करना चाहिए था। इसलिए हम बादल को सिर्फ माफी नहीं करते, बल्कि आज से ये जागीर हम बादल के हवाले करते हैं।
मेरे मालिक तू मुझे माफ कर दे। उठो बादल। शेर दिल की आंखों में आंसू हाथ से भी थक। हाँ मालिक, ये खुशी के आंसू, इनके रूप में मेरी तमन्ना पूरी होकर छलक रही है। बापू की अंतिम चिता के सामने खड़े होकर मैंने कसम खाई थी कि मैं उनकी मौत का बदला लूंगा। आज इस तरह मुझे मेरे मालिक की गोद में देखकर उनकी स्वर्गीय आत्मा को कितनी खुशी हो रही होगी। बादल, मैं तुम्हारे पिता को तो वापस नहीं ला सकता, अगर तुम चाहो तो मुझे कबूल करो। मालिक। बादल, तुम क्या चाहते हो? जो चाहोगे वो मिलेगा। मेरे साथियों को माफ किया जाए। मंजूर। महाराज। और कुछ बादल? जागीर के सभी गरीबों के बाकी लगान माफ किए जाए। ये भी मंजूर। महाराज। और मांग लो बादल। मालिक, मुझे तेरी तलवार चाहिए। ऐसा क्यों बादल? मेरे मालिक, तू हम पर हुकूमत कर, तलवार से नहीं प्यार से। ऐसे ही होगा बादल। तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? नहीं मालिक, कुछ नहीं। देखो बादल, अच्छी तरह से सोच लो, अब भी मौका है। हाँ हाँ मालिक। भैया, मैना को गोली लगी है। मालिक, किसी को मेरी जरूरत है, मुझे आज्ञा दीजिए। तुम जा सकते हो। तुम जीती और मैं हारी।